देखेंगे आईफोन भी अगर मिला तो आईफोन भी लेंगे। एक छोटा सा यहाँ पे ये गैस स्टोव देखो, मिनी गैस स्टोव हाथ में भी आ सकता है ये। भाई यहाँ पे लगा हुआ है ये कैंपिंग टेंट, 1% का कैंपिंग टेंट है यहाँ पे। छोटे छोटे सेब है ये भाई, अभी कच्चे सेब है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिन आनंददार वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए दिन के साथ एक और स्पेशल व्लॉग में आप लोगों का। तो चलिए अभी शाम का टाइम होने वाला है, तो अभी बज चुके हैं 6 बज चुके हैं एंड अभी मैं आ गया था अपने बाग में, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिन में, उतना तो बाहर निकलने का मन नहीं करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अभी शाम के टाइम होने वाला है तो मैंने सोचा अपने बाग में देंगे एक राउंड, देखेंगे जो भी पत्ते वत्ते हैं उनकी पोजीशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्चर्ड उसमें पत्ते हो गए हैं ख़राब। सो मैं पहुँच चुका हूँ अपने ऑर्चर्ड में, देखो ये है मेरा अपना ऑर्चर्ड, यहाँ पर है एप्पल, देखो कितने छोटे छोटे सेब है ये भाई, अभी कच्चे सेब है, छोटे छोटे सेब है यहाँ पर। ये देखो बारिश की वजह से ना, अभी ना बारिश भी नहीं हो रही है, बारिश के इनकम हो है आज, बट देखेंगे अगर बारिश होगी तो यहाँ पे ना थोड़ा सा पिंस के, ये देखो छोटे छोटे से ये दाने जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे से ब्लैक, ये इसलिए हुए है क्योंकि अभी ना बारिश नहीं पड़ रही है कि उसी की वजह से, अगर बारिश पड़ गई तो ये पूरे साफ़ हो जाएंगे। दवाई तो हमने दी थी परसों, वो दी थी हमने इन पत्तों के लिए, जो कि यहाँ पर ये अभी भी ग्रीन है, अच्छे खासे पत्ते हैं अभी भी। तो अभी लोड हो चुका है इन जो भी टहनियाँ है ना, इनमें लोड आ चुका है। देखो ये जो सेब है ना, इन उन्होंने ये टहनियाँ नीचे लगाई हुए है ज़मीन पे, अभी थोड़ा सा टच रहना बाकी है। सो मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे इनको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे इनको इस तरह बांधेंगे। तो मैं दिखाऊँगा आप लोगों को अब क्या करना है हमें। पहले तो हम लकड़ी का जो उसको कहते हैं हम डाकू लगाते थे, अब वो नहीं लगाते हम, अब लगाते हम यहाँ पे जो क्या रस्सी होती है वही बांधेंगे हम इस पेड़ को अब। तो चलिए मैंने लाया है टूल एंड रस्सी है, ये रही रस्सी जो कि नारियल का नारियल होता है ना उसी से बनती है ये रस्सी। सो अब जो जो टहनियाँ नीचे आ चुकी है उसको मैं बांधूंगा अच्छी तरीके से ताकि वो टूट ना जाए, उसमें ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर वो उस ये टूट गई टहनियाँ, उसमें बहुत सारे सेब होते हैं। तो ये देखो ये वाली जो मैं कह रहा था, अभी ज़मीन थोड़ा सा टाचा रहना बाकी है, अब इसी को मैं बांधूंगा। तो जी ये रही रस्सी एंड अब मुझे करना है इसको बंद, देखो किस तरीके से मुझे इसको बंद करना है, यहाँ पे मुझे लगानी है पहले रस्सी एंड जो मैं ये रस्सी लगाऊंगा और जहाँ पे ये मोटी टहनी होगी ना यहाँ पे इसको बांधूंगा मैं, यहाँ पे या यहाँ पे जो भी नज़दीक रहेंगी उसी पे मैं बांधूंगा। चलिए अभी मैंने इस पर यह रस्सी बांधी हुई है एंड मेरा नज़दीक ये वाला ये टहनी है, ये अच्छी खासी मोटी है, ये जो इसका लोड है ना ये इस पर अच्छा खासा ये उठाएगा ये लोड। अब मुझे इस पर बांधना है ये वाली रस्सी और खींचना है ऊपर की तरफ। सो यहाँ से मैंने लाई है रस्सी, अब इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे इस तरीके से। आप देखो ये आ गया है मेरी तरफ बराबर ये वाली टहनी, ये देखो। सो देखो किस तरीके से सपोर्ट आ चुका है इसमें, देखो अब नीचे अब चल सकते हो अच्छी तरीके से, कोई टेंशन नहीं है। पहले जो यहाँ पे है ना ये लकड़ी का बना हुआ ये डाल देते हम, ये जगह भी घेरता था नीचे, अब ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। अभी मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, लगभग 50-60 फीट में मैंने ये बांधा हुआ है, ये देखो 1-2 घंटे हो गए हैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो चुका है, बादल आ चुके हैं पूरे तरीके से, बादल देखो कितने घने बादल आ चुके हैं, बारिश का खतरा है आज। तो मेरे ख्याल से आज अल्लाह ने दुआ सुन ली है कि बारिश हो जाएगी आज, बारिश लाजमी ज़रूरी है, बारिश बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है कश्मीर में, अगर बारिश होगी ना तो जो ये पेड़ है ना ये अच्छे खासे ऐसे जो भी इनमें पाते वाते हैं वो ठीक हो जाएंगे, और जो इनमें थोड़ा सा ये पिंस गैप जो कहते हैं ना ये भी दूर हो जाएगा। देखो उतने साफ सेब नहीं है ये ना, ये भी उससे अच्छे खासे सेब हो जाएंगे, पूरे प्रोवर सेब हो जाएंगे उससे।
जी अभी जो भी काम था वो मैंने किया है यहाँ से ख़त्म, अभी निकलेगा घर की तरफ क्योंकि अंधेरा भी हो गया है, खतरा होता है यहाँ पे, हरीश वगैरह कभी भी आ सकता है यहाँ पे, एंड निकलेंगे घर, बारिश का भी खतरा है, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है यहाँ से, ये देखो। तो चलिए करते हैं आज नेक्स्ट डे की शुरुआत इसी वीडियो में आप लोगों को, क्योंकि कल तो अंधेरा हो गया था, बाग पे आ गया था मैं डायरेक्ट उसी, अभी मैं जा रहा हूँ बाज़ार, कुछ सामान लेना है वहाँ से, काम है कुछ तो वो निपटा के आते हैं, और मुझे जाना है डीकैथलन, मुझे याद पड़ा कि डीकैथलन से मुझे लानी है एक टॉरब, देखेंगे डीकैथलन जाएंगे वहाँ पर टॉरब भी देखेंगे, तो चलिए अभी निकलते हैं अपनी बाइक पर जाएँगे हम अनंतनाग। अभी चलिए अभी निकलते हैं कि हम अनंतनाग की ओर, एंड मौसम देखो आज का मौसम प्यारा सा मौसम हो रखा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है आज, अच्छा खासा ठंडी हवा चल रही है आज के टाइम, क्योंकि कल से मौसम चेंज हो चुका है ना, इसकी वजह से बादल देखो थोड़े थोड़े से बादल भी है आज, एंड कई जगह पे बारिश भी गिर गई है, हमारे इलाके में अभी भी बारिश नहीं गिरी हुई है, थोड़ी सी बारिश गिर गई थी, एंड अब चल रहे हैं यहाँ से आप आगे अनंतनाग तक, हमें लगेंगे लगभग 10-15 मिनट लगेंगे। तो जी अभी मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे है डीकैथलन मॉल ऊपर, देखो यहाँ पे है डीकैथलन का शोरूम यहाँ पे, एंड बाइक मैंने लगाई है यहाँ पे, अभी मैं जाऊँगा ऊपर, वहाँ पे है एक डिजिट कश्मीर भी वहाँ पे है, देखेंगे आईफोन भी अगर मिला तो आईफोन भी लेंगे, पहले जाएंगे यहाँ पे डीकैथलन, वहाँ से हमें लेना है टॉरप, एक टेंट के लिए कैंपिंग टेंट के लिए लेना है हमें टॉरप, ये है जी सीढ़िया ऊपर की तरफ, यहाँ पे शोरूम है, यहाँ पे बहुत सारे आइटम मिलेंगे, अभी देखेंगे जो मुझे ज़रूरत है वो आइटम मिलेगा कि नहीं, ढूंढेंगे यहाँ पे, छोटा सा ही यहाँ पे शोरूम है, बहुत सारे किस्म के गेयर्स है यहाँ पे कैंपिंग रिलेटेड, शूज़ वगैरह, देखो भाई यहाँ पे लगा हुआ है ये कैंपिंग टेंट, 1 पर्सन का कैंपिंग टेंट है यहाँ पे, शावल, ओहो भाई देखो कुल्हाड़ी, ख़तरनाक कुल्हाड़ी है ये, कुल्हाड़ी चेक कर लो, ख़तरनाक कुल्हाड़ी है ये भाई, देखो भाई लोग जो मैंने दिल्ली से लाया था ना ये स्टोव यहाँ पे, देखो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, कोई ज़रूरत नहीं है दिल्ली जाने की, अब यहाँ पे बहुत टाइप के ये गैस चूल्हे हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत सारे, एंड एक छोटा सा यहाँ पे ये गैस स्टोव, देखो मिनी गैस स्टोव, हाथ में भी आ सकता है ये, कितना छोटा है ये भाई साहब, ये देखो छोटा सा, बिल्कुल हाथ में ये छुप जाता है ये वाला, बढ़िया सा, क्या क्या टेक्नोलॉजी आई हुई है, अब ये वाला भी, ये लगभग 5-8 किस्म के हैं यहाँ पे, देखो ये भी लाइट आती है, ज़रूरत लगती है ये लाइट भी कैंपिंग के लिए, बहुत सारे आइटम, ये देखो यहाँ पे है लाइट जो कि ऊपर टांगने के लिए होता है ना वो टेंट के लिए, ये भाई साहब ये मिलेगी लाइट यहाँ पे, अभी चार्ज नहीं है, ऑन नहीं हो रही है ये, अब मैंने यहाँ से भी चूज़ किया है कुछ सामान, नेक्स्ट टाइम आएंगे, अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ये है खाना बनाने के लिए कैथली, देखो चाय वाय बनाने के लिए ये कैथली, एंड बर्तन देखो यहाँ पे, ये लगता है खाना बनाने के लिए ये बर्तन, मिनी बर्तन पोर्टेबल है ये भाई, इसमें 2-3 अंदर भी है, यह है जी मग। तो जी अभी इन्होंने यहाँ से नंबर दिया है, अब इन्होंने कहा कि हम ऑर्डर करेंगे, इनके पास अवेलेबल नहीं था, तो जी अभी मैं आ रहा हूँ अनंतनाग से घर की तरफ, और जो भी मैं ढूंढ रहा था वहाँ पे मोबाइल वो नहीं मिला, अभी उन्होंने कहा कि हम 1-2 दिन के बाद आपके लिए मोबाइल लाएंगे, देखेंगे एक अच्छा सा मोबाइल लेंगे, उसके बाद 2 दिन उन्होंने डिलीवरी लेके 2 दिन के बाद आना आपको मोबाइल देंगे हम यहाँ पर। तो चलिए जी अभी इस वीडियो को भी करेंगे यही पे एंड, उम्मीद करता हूँ किसी भी रीज़न से अगर आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आती है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।